हेलो फ्रेंड्स, आपका बेस्टमैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम विंग्स ऑफ द डव जो हेनरी जेम्स ने लिखा है उस नावल के बारे में पढ़ेंगे। इस नावल को हेनरी जेम्स ने 1902 में पब्लिश किया था। स्टोरी को शुरू करने से पहले हमें इनके करेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बिली थील्स का करेक्टर आता है, जो एक अमेरिकन लेडी है। यहाँ पे ये मेन रोल प्ले करती है इस स्टोरी में। और नेक्स्ट हमारे पास मॉड लोडर आता है, वो एक आंट है, वो लंदन में रह रही है और केट की आंट है। यहाँ पे ये केट क्रो हमारे पास मिली थील की फ्रेंड है, और ये मॉड लोडर जो उनकी आंट है उसके पास लंदन में ही रह रही है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉर्टन डेंसल, इसकी एंगेजमेंट हुई पड़ी है केट क्रो के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास सर लियू स्ट्रीट आता है, वो एक फिजिशियन है। तो आगे हमारे पास एक आता है मिसिस स्ट्रिंगम, वो ट्रैवलिंग कंपेनियन है मिली थील की। अब हम इस प्लॉट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो नावल है वो शुरू होता है मिली थील से। मिली थील एक अमेरिकन लेडी है, उसको एक सीरियस डिसीज है। यहाँ पे उसको ऐसे लगता है कि जो उसकी डिसीज है, उसकी जो बीमारी है, वो ठीक नहीं हो पाएगी, वो जल्दी ही मर जाएगी। तो वो अमेरिका से लंदन जाती है अब केट क्रोए और मॉड लोडर के पास। उनका एक अच्छा सा वेलकम किया जाता है इन दोनों की तरफ से। तो यहाँ पे वो बताती है इनको भी मुझे एक डिसीज है, वो ठीक नहीं हो पाएगी, ऐसे मतलब टेंशन में रहती है ये। तो केट क्रोए और मॉड लोडर उसको थोड़ा हौसला देते हैं भी नहीं ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक बात और आती है। यहाँ पे मिली थील के पास अब टू टाइप्स के लोग हैं जो आते हैं यहाँ पे। एक तो होते हैं जिनको हमदर्दी होती है उसके उसके साथ, और दूसरे वाले लोग आते हैं उसकी शोहरत, उसकी पैसा है, जो मनी है उसको देखकर उसके पास आते हैं। भी जब मिली थील यहाँ पे मर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद जो उसका जो पैसा है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे मिली थील जब लंदन में आती है वो डांसर को लाइक करने लग जाती है। ये बात अब केट को पता चल जाती है, अभी वो मिली थील है वो डांसर को लाइक कर रही है। अब केट का डांसर के साथ पहले ही एंगेजमेंट हुई पड़ी है, उनकी मैरिज होने वाली है। केट को यहाँ पे ये बात हाइड करती है मिली थील के, और वो प्रेशराइज्ड करती है डांसर को भी उसके क्लोज है मिली थील के, और उसको जो इनका प्लान है ना दोनों का, मिली थील मर जाएगी उसके बाद उसकी जो दौलत है, जो उसकी मनी है, वो हमारे पास आ जाएगी। ये प्लान है जो डांसर को बताती हैं यहाँ पे। अब डांसर थोड़ा टेंशन में भी हो जाता है और फिर वो मान जाता है, और उसके बाद मिली थील फिर डांसर को लेकर चली जाती है अमेरिका में। तो वहाँ पे उसको उसके साथ मैरिज कर लेती है ये। जब मिली थील को ये पता चलता है कि डांसर ने मिली थील के साथ क्यों मैरिज की है, क्यों उसके क्लोज आया है, तो बड़ी टेंशन में हो जाती है वो। उसके बाद इतनी टेंशन में चली जाती है कि उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी मनी है वो सारी की सारी इसके नाम चली जाती है। और नेक्स्ट लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो डांसर है वो ना तो उसकी मनी को टच करता है और ना ही दोबारा केट क्रो के साथ शादी करता है, मैरिज करता है। जो डांसर के जो लास्ट वर्ड है यहाँ पे, वी शैल नेवर बी अगेन एज वी वर, तो इससे हमारा जो नॉवल है एंड हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।